दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल स्टडी चैम्प्स की दुनिया में। अपकमिंग अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो दोस्तों आज का हम लोगों का टॉपिक है नाउन। ये इंग्लिश का बहुत ही कॉमन सा और बहुत ही भारी भरकम टॉपिक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों जैसे कि हर चीज़ का एक वैज्ञानिक होता है तो वो हर चीज़ का एक नाम देता है। जैसे कि हम लोग पानी को हिंदी में कहते हैं जल और इंग्लिश में कहते हैं वाटर, लेकिन वैज्ञानिक लोग पानी को कहते हैं H2O यानी हाइड्रोऑक्साइड। और ह्यूमेंस को जैसे हम लोग कहते हैं इंसान, लेकिन वैज्ञानिक लोग ह्यूमेंस को कहते हैं होमो सैपियंस। वैसे ही भाषा के वैज्ञानिक वो कहलाते हैं लिंग्विस्ट। और इंडियंस लोग यानी कि हम लोग किसी के नाम को कहते हैं नाम। और फॉरेनर्स लोग यानी जो इंग्लिश बोलते हैं वो लोग किसी के नाम को बोलते हैं नेम। ऐसे ही नेम को यानी नाम को जो भाषा के वैज्ञानिक है लिंग्विस्टिक लोग, ये लोग कहते हैं नेम को नाउन। तो दोस्तों नेम को ही नाउन कहा जाता है। और अगर आपसे किसी ने पूछ लिया व्हाट इज़ योर नाउन, तो आप ये मत कहना कि मुझे नहीं पता। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नाउन की डेफिनेशन को देखते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग। तो दोस्तों नाउन एक पर्सन यानी एक व्यक्ति का नाम होता है, प्लेस यानी एक जगह का नाम होता है, एनिमल यानी एक जानवर का नाम होता है, थिंग यानी सामान या चीज़ों का नाम होता है। जनरली हम लोग नाउन को कहते हैं कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कैसे दोस्तों जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसे हम लोग एक वर्ड यानी एक शब्द से डिस्क्राइब करते हैं और वही शब्द उस चीज़ का नाम होता है। जैसे कि हमने एक डॉग को देखा, तो जब हमने डॉग को देखा तो हमने उसे डिस्क्राइब किया एक वर्ड डॉग से। तो दोस्तों वही डॉग वर्ड उस चीज़ का नाउन हुआ यानी नेम हुआ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। माई नेम इज़ करण, यहाँ पर करण तो एक नाम है तो ये इसका नाउन हो गया। शी इज़ गोइंग टू दिल्ली, यानी दिल्ली एक जगह का नाम है तो ये एक नाउन हो गया। देयर इज़ अ डॉग, यानी डॉग एक जानवर का नाम है तो ये नाउन हो गया। आई हैव अ पेन, पेन एक थिंग यानी एक सामान या चीज़ का नाम है तो ये नाउन हो गया। दोस्तों और इजी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो जिन जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो नाउन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ को हम छू नहीं सकते वो भी नाउन कहलाते हैं। जैसे कि ब्यूटी, ब्रेवरी, हीरोइज़म, ये सब क्या है, ये सब आदमी की क्वालिटीज़ है लेकिन इसे भी हम लोग नाउन कहते हैं। और जॉय, सॉरो, दोस्तों ये सब क्या है, ये सब आदमी के इमोशन से और ये भी नाउन में आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही तक और बाकी सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नाउन को और विस्तार से जानेंगे और टाइप्स ऑफ नाउन भी पढ़ेंगे।